हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको इस वीडियो में प्री क्यूट सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कंप्लीट वीडियो देखिए, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद में ही आपको प्री क्यूट सर्टिफिकेशन कोर्स के लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया है, ठीक है। इस कोर्स में कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक। इस फ्री क्यूट सर्टिफिकेशन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है वो तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको लिंक पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप फ्री क्यूट सर्टिफिकेशन कोर्स के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे इन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं जिस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सारी बेसिक डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर आपको आपका लास्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर आपको जो भी आपका यूजर नेम है और ईमेल आईडी है, ठीक है ना। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर फिल करना है, जो भी आपके स्कूल और कॉलेज का नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर पासवर्ड में आपको क्या करना है, एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है ना। नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। और आपको यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद में जो है आपके सामने फिर से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, इस वाले चिन्ह पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप सेकंड पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने सर्टिफिकेशन इन योगा फ्रॉम एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑन योगा, ठीक है। तो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सी मोड पर क्लिक करना है। सी मोड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये कोर्स ओपन होने लगेगा, ठीक है। ये एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन ऑन योगा, ठीक है। तो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो आपको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है लॉगिन टू इनरोल पे, ठीक है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद में जो है आपके सामने लॉगिन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपके सामने लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी यूजर नेम और ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल किया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक। और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से वेबसाइट ओपन होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फिर से आपके सामने क्या है, यहाँ पर कोर्स ओपन हो गया है, ठीक है ना, सर्टिफिकेशन ऑन योगा, ठीक है। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है टेक दिस कोर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है टेक दिस कोर्स पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या है, फिर से एक और पेज ओपन होगा, ठीक है। फिर से आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, ठीक, सर्टिफिकेशन ऑन योगा, ठीक है। तो इस पेज पर आने के बाद में आपको इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, योगा एजुकेशन क्यूज बाई एडवांस्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, ठीक। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, ठीक। योगा एजुकेशन क्यूज बाई एडवांस्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर। देयर आर टोटल 25 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चंस है और यहाँ पर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट क्विज पर क्लिक करोगे
तो आपके सामने जो है क्यूज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको जो है जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आप पे, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैन डिड द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 जून 2015। ठीक है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वेयर द रेजुलेशन ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑफ योगा वाज पास्ट। इसका राइट आंसर होगा आपका यूएन जनरल असेंबली, ऑप्शन नंबर बी। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैड इंट्रोड्यूस योगा फर्स्ट टाइम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड इन रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। इसका राइट आंसर होगा आपका स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस योगा टू ह्यूमैनिटी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा आपका पतंजलि। ठीक है ना, पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है और आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होगा, पिच वेद मंत्र अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ योगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2019 विच सिटी होस्ट पीएम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रांची, झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इवेंट क्रिएटेड जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 21 जून 2015। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा 2019। ठीक है, इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन इंडिया इज डन बाय विच मिनिस्टर, विच मिनिस्ट्री। इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन नंबर ए। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डोगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ठीक, द वर्ल्ड योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ल्ड विच मीन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ज्वाइनिंग टुगेदर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम एंड लाइट ऑन लाइफ आर बुक्स रिटन बाय। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी के स्लिंगर। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो उत्कासन रेफर्स टू, इसका राइट आंसर होगा चेयर पोस्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इफ़ यू आर एंगेजिंग इन मूला बंधन विच पार्ट ऑफ बॉडी आर यू लुकिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए, द चिन। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका गुरु। ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑल द अबव। ठीक है ना, और आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऋचिका इज ए टाइप ऑफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राणायाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, व्हाट आर दी फाइव एलिमेंट्स इन योगा। ठीक, इसका राइट आंसर होगा अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, इंडियाज फर्स्ट योगा ओपीडी हैज बीन स्टार्टेड इन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक, फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इसका कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ योगा इज। इसका राइट आंसर होगा आपका स्ट्रेस रिडक्शन। ठीक, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, विच योगिक एक्सरसाइज आर बेनिफिशियल एमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस टू बूस्ट इम्यूनिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑल द अबव। ठीक, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच योगिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका नन ऑफ दी अबोव। ठीक है, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक, विच अथॉरिटी रिलीज दी स्कीम एंड गाइडलाइंस फॉर योगा ओलंपिक 2020। इसका राइट आंसर होगा NCERT, ऑप्शन नंबर सी। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर दिस ईयर्स योगा क्यूज योगा ऑन योगा डे। ठीक है, तो इस बार जो योगा सेलिब्रेट किया गया उसका थीम था योगा फॉर पीपुल। ठीक है, योगा फॉर पीपुल, आपको ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर फिनिश क्यूज पे क्लिक कर देना है। फिनिश क्यूज पे क्लिक करने के बाद में जो है आपका क्यूज फिनिश हो गया और आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर लोड हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, यू हैव रीच्ड 72
ऑफ आउट ऑफ 100 पॉइंट, ठीक है। तो आपका 72% यहाँ पर बनना है, ठीक है ना। तो आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट योर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन है वो 18 क्वेश्चन राइट है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए या सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट योर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो है आपका सर्टिफिकेट जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रिंट होगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आप सबको सर्टिफिकेट मिल जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।